फ्रेंड्स, मैं सुषमा को हार्ट वेलकम टू माय चैनल नीटिंग लेसन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर स्पेशल जेंट स्वेटर का डिज़ाइन लेकर आई हूं। आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। इस डिज़ाइन को आप जेंट्स की फुल बाजू या हाफ बाजू किसी भी स्वेटर पर अप्लाई कर सकती हैं। दोनों ही स्वेटर पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 10 के मल्टीपल फंदे लेकर 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 10 के मल्टीपल देखिए, 10 फंदे गिन लीजिए, फिर से 10, फिर से 10, फिर से 10, इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके 4 फंदे रहने चाहिए। ये डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होता है और 24 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। बॉर्डर के बाद आपको जो फंदे बढ़ाने हैं वो आप उल्टी साइड से बढ़ा लीजिए और सीधी साइड से डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिए हैं मैंने 24 फंदे, 10 दूनी 20 और उसमें 4 फंदे एक्स्ट्रा। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बनाई हुई है। डिजाइन की ये पहली सिलाई है तो ध्यान दीजिए, पहला फंदा उतारिए या बनाइए ये आपकी अपनी मर्जी है। तो देखिए, पहला फंदा उल्टा, धागा पीछे और 4 फंदे अब सीधे, 1, 2, 3 और ये 4। 4 फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए, ये फंदे को छोड़कर ये वाला जो फंदा है इसे ऐसे ले लीजिए और इसको उतार के अब पीछे से आगे की साइड ले आइए। ये वाला जो फंदा हमने लिया है इसको बनाना नहीं है, ऐसे ही रखना है और इस फंदे को ऐसे सीधा बना देंगे। अब ऐसे ही यहाँ पर करना है, इस फंदे को छोड़ के इस वाले में पीछे की साइड से ऐसे सिलाई डाल लीजिए, इसको उतार के यहाँ पर ले आइए और इसको यहाँ पर लाकर आप सीधा बना दीजिए। और ये जो बीच में से हमने फंदा यहाँ पर स्लिप किया है इसको बिना बनाए वापस ऐसे सिलाई में डाल दीजिएगा। अब आप 6 फंदे सीधे बनाइए, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से जैसे हमने यहाँ पर फंदे ट्विस्ट किए हैं ऐसे ही यहाँ करने हैं। इस फंदे को छोड़कर इसमें ऐसे सिलाई डाल लीजिए, इसको उतार के पीछे से बीच में ले जाइए और इसको बीच में से लाकर आपने सिलाई पर ऐसे ही रख लेना है, इसको बनाना नहीं है। अब इसको आप सीधा बना दीजिए। अब इसको छोड़ के इस वाले फंदे में पीछे से ऐसे सिलाई डाल लीजिए, इसको आप ऐसे उतार के यहाँ पर ले आइए और इसको पीछे से बीच में लाकर आप सीधा बुन दीजिए। अब ये वाला जो फंदा है इसको बिना बुनाए ऐसे ही सिलाई पर डाल लेना है, इसको बनाना नहीं है। आपके जितने भी फंदे होंगे अब आगे आपने 6 फंदे सीधे बनाने होंगे और फिर ऐसे बनाना होगा पैटर्न, फिर 6 फंदे सीधे, फिर इस पैटर्न को बनाना है और लास्ट में ये वाला पैटर्न बनाने के बाद देखिए आपके 5 फंदे हैं, इनमें से आप 4 सीधे बना लीजिए, 1, 2, 3 और ये 4 और लास्ट के फंदे को आप उल्टा बुन लीजिए। जब आप दोनों साइड का एक एक फंदा उल्टा बनाएंगे तो फ्रेंड्स दोनों साइड से ये जो इसकी किनारी होती है तो इस डिज़ाइन में अंदर की साइड नहीं मुड़ेंगी और सिलाई में भी इसमें फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। अब आ जाइए इसकी उल्टी सिलाई और दूसरी सिलाई पर। इस डिज़ाइन की उल्टी सिलाइयाँ सारी उल्टी ही बनेंगी, तो धागा अपनी तरफ कीजिए और दूसरी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। ये देखिए, 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। उल्टी सिलाई पर जो फंदे स्लिप किए होते हैं उनको भी बनाना होता है और जो बनाए हुए होते हैं उनको भी उल्टा ही बुनना होता है। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई पर देखिए, पहले फंदे को उल्टा बना लीजिए, फिर धागा पीछे और अब 3 फंदे सीधे, 1, 2 और ये 3। अब देखिए, ये वाला जो फंदा है इसको हमने ऐसे लेना है और इसको उतार के पीछे की साइड से बीच में ले आएंगे और इसको हमने ऐसे ही स्लिप करना है, इसको बनाना नहीं है और इसको यहाँ पर आप सीधा बुन दीजिए, 1, 2, 3 और इसको छोड़ के पीछे की साइड से इस फंदे को आप बना लीजिए तो 4 हो गए और इसको उतार के आप
ऐसे ले लीजिए और इसको बनाना नहीं है, ऐसे ही डाल देना है। तो देखिए ये दो फंदे इधर स्लिप किए हुए हैं, बीच में हमने चार सीधे बुने हैं। अब बीच में चार सीधे बनाइए, एक दो तीन और ये चार। अब ये देखिए ये वाला फंदा हमने बीच में ले जाकर बुनना है, तो इसको ऐसे लेंगे, इसको उतार के इसके यहाँ ले आएंगे। इसको हमने अब बनाना नहीं है, ऐसे ही रखना है। और इस देखिए एक दो और ये वाला तीन। अब इसको छोड़ के इस फंदे को बनाना है और इसको नहीं बनाना है, तो पीछे की साइड से इसको हम ऐसे सीधा बुन देंगे, इसको उतार के ऐसे लेंगे और बिना बुनाए यहाँ पर इसे डाल देंगे। तो देखिए इधर भी बिना बुनाए फंदा है और इधर भी, बीच में चार सीधे हो गए। इसी तरह से कंप्लीट करते जाएंगे और लास्ट में देखिए एक दो और ये तीन फंदे सीधे बनाकर लास्ट का फंदा उल्टा। तीन सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, अब आ जाइए चौथी सिलाई। चौथी सिलाई को आप पूरा उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कीजिए, चाहे फंदे स्लिप किए हुए हैं और चाहे बनाए हुए हैं। चार सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, अब आ जाइए इसकी पांचवी सिलाई और सीधी साइड पर। पांचवी सिलाई पर देखिए पहला फंदा उल्टा, धागा पीछे और दो फंदे सीधे, एक और ये दो। इधर से फंदे कम हो रहे हैं और बीच में वो हमारे बढ़ रहे हैं। अब इसको छोड़ के इसमें ऐसे सिलाई डालेंगे, इसको उतार के पीछे से बीच में ले जाएंगे। अब इस फंदे को बनाना नहीं है, ऐसे ही रखना है। और ये देखिए एक दो तीन चार पाँच। अब इसको छोड़ के पीछे से इस फंदे को हम ऐसे सीधा बुन देंगे, तो बीच में हमारे यहाँ छह फंदे हो गए। इसको उतारेंगे और इस वाले को ऐसे लेंगे और बिना बनाए यहाँ पर ऐसे डाल देंगे। अब हम दो फंदे सीधे बना लेंगे, एक और ये दो। अब ये देखिए इसको हमने बीच में ले जाकर बुनना है, तो इसको आगे से ऐसे लेंगे, इसको उतार के पीछे से बीच में डाल देंगे। इसको अब बनाएंगे नहीं। और ये देखिए एक दो तीन चार और ये पाँच। अब इसको छोड़ के पीछे से इस फंदे को पहले सीधा बुन लेंगे, तो बीच में छह सीधे हो गए। इसको उतार के ऐसे लेंगे और यहाँ पर ऐसे डाल देंगे, इसको बनाना नहीं है। और लास्ट में देखिए दो सीधे और एक फंदा इसका उल्टा। अब आ जाइए इसकी उल्टी सिलाई और छठी सिलाई पर। उल्टी सिलाई आप इसकी पूरी उल्टी ही बना लीजिए। छह सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, सातवीं सिलाई है और सीधी साइड है। पहला फंदा इसका उल्टा, धागा पीछे और अब एक फंदा सीधा। अब देखिए इस वाले फंदे को ऐसे लेंगे और इसको उतार के पीछे से बीच में ले आएंगे। अब इस फंदे को बनाएंगे नहीं और यहाँ बीच में आठ सीधे बनाए जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब यहाँ से इसको छोड़ के देखिए पीछे से इस फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे और इसको यहाँ बीच में सीधा बुन देंगे, तो आठ हो गए। इसको उतार के बिना बुनाए यहाँ पर ऐसे डाल देंगे। अब देखिए इसको छोड़ के इस फंदे में ऐसे सिलाई लेंगे, इसको उतार के पीछे से बीच में कर देंगे और इसको बिना बुनाए यहाँ पर डाल देंगे। और ये देखिए अब एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात। और यहाँ से ऐसे लेंगे, इसको उतार के यहाँ पर ले आएंगे और इसको यहाँ बुन देंगे। जैसा आपको इजी लगे वैसे कर लीजिए और इसे बिना बनाए यहाँ पर डाल देंगे। लास्ट में आपका एक फंदा सीधा और एक उल्टा आ जाएगा। सात सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, आठवीं सिलाई उल्टी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। नौवीं सिलाई है और सीधी साइड है। नौवीं सिलाई को ध्यान से देखिएगा, ये पहला फंदा उल्टा, धागा पीछे और ये दूसरा फंदा इसका सीधा। अब ये वाली चेन का जो फंदा है इसे आप बिना बुनाए ऐसे उतार लीजिए। अब धागा अपनी तरफ कीजिए और दो फंदे आप उल्टे बनाइए, धागा पीछे।
ये वाले जो दो फंदे हैं इसको छोड़ के इस वाले में ऐसे सिलाई लेंगे, इसको पहले सीधा बनाइए, फिर इसमें ऐसे सिलाई डाल के इसको बाद में सीधा बनाकर दोनों को एक साथ उतार दीजिएगा। अब फिर देखिए ये वाले जो दो फंदे हैं इसको भी ऐसे ही करना है, इसको छोड़ के इसको ऐसे लेंगे, इसको पहले सीधा बनाया, फिर इसमें ऐसे सिलाई लेंगे और इसको सीधा बनाकर दोनों को एक साथ उतार देंगे। धागा अपनी तरफ कीजिए और दो फंदे उल्टे, ये बीच के जो आठ फंदे हैं उसमें इस तरह से डिजाइन बनाया जाएगा। फिर आप धागा पीछे कर लीजिएगा, ये दोनों फंदे आप इस तरह से स्लिप कर लीजिए, फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और दो उल्टे, एक और ये दो, धागा पीछे, इसको छोड़ के इस वाले को आप पहले सीधा बनाइए, फिर इसको ऐसे लेकर इसे भी सीधा बनाकर उतार दीजिए, इसको छोड़ के इसको ऐसे लेंगे, सीधा बनाया, फिर इसको लिया, इसको भी सीधा बनाकर दोनों को एक साथ उतार देंगे। धागा अपनी तरफ और अब ये दो फंदे उल्टे, तो बीच में जो दो आठ फंदे आए हमारे इनमें ऐसे डिजाइन बनेगा। धागा पीछे, इस चैन वाले फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे ही रहे, ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ और लास्ट का उल्टा। नौ सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, दसवीं सिलाई आप पूरी उल्टी बनाइए। ग्यारहवीं सिलाई है और सीधी साइड है। ग्यारहवीं सिलाई पर देखिए, पहला फंदा इसका उल्टा, धागा पीछे और दूसरा फंदा सीधा। अब ये जो चैन वाला फंदा है इसको आप ऐसे स्लिप कर लीजिए, धागा अपनी तरफ, अब दो उल्टे, एक और ये दो, धागा पीछे। अब ये वाले जो दो फंदे हैं फिर से ऐसे ही बनाना है, इसको छोड़ के इस वाले में आगे से ऐसे सिलाई डालिए, इसको सीधा बना दीजिए, फिर इसको ऐसे लेंगे और इसको भी सीधा बनाकर दोनों को एक साथ उतार देंगे। इसे छोड़कर अगले फंदे को पहले सीधा बना लीजिए और फिर इसको सीधा बनाइए और दोनों को एक साथ उतार दीजिए, धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे। अब आप धागा पीछे कीजिए और ये चैन वाले जो दो फंदे हैं इनको ऐसे स्लिप कर लीजिए, धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे। फिर आप धागा पीछे कर लीजिए, इसको छोड़ के अगले वाले को पहले सीधा बनाइए, फिर इसको सीधा बनाकर दोनों को एक साथ उतार दीजिए। फिर से वही रिपीट करना है, पहले को छोड़कर दूसरे को पहले सीधा बनाना है और पहले वाले को बाद में बनाकर उतार देंगे, धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे। धागा पीछे कीजिए, इस चैन वाले फंदे को स्लिप कर लीजिए, अब ये जो सीधा है इसे आप सीधा बनाइए और धागा अपनी तरफ करके लास्ट का फंदा उल्टा। 11 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी है, 12वीं सिलाई आप इसकी पूरी उल्टी बनाइए। 13वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 13वीं सिलाई पर देखिए, पहला फंदा इसका उल्टा, धागा पीछे और एक फंदा सीधा। अब ये जो चैन वाला फंदा है इसे स्लिप कर लीजिए, धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे, एक और ये दो, धागा पीछे कीजिएगा और देखिए ये जो बीच में ऐसे सीधे वाले हैं, पहले को छोड़ के दूसरे को पहले सीधा बनाइए, फिर पहले वाले को सीधा बनाकर उतार दीजिए। अब इसे छोड़ के इसमें ऐसे लीजिए, सीधा बनाइए, फिर पहले वाले को सीधा बनाइए और इन दोनों को एक साथ उतार दीजिए, धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे। इस तरह से ये देखिए, एक और ये दो, धागा पीछे, ये जो चैन वाले फंदे हैं इनको आप ऐसे स्लिप कर लीजिए, धागा अपनी तरफ, दो उल्टे, फिर धागा पीछे, इसको छोड़ के दूसरे को पहले सीधा बनाएंगे, फिर पहले वाले को सीधा बनाएंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे। फिर से वही रिपीट करना है, देखिए एक को छोड़ के दूसरे में ऐसे सिलाई डाल के इसको सीधा बनाया, फिर इसको ऐसे लेंगे और इसको भी सीधा बनाकर उतार देंगे, धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे। धागा पीछे, चैन वाले फंदे को स्लिप करेंगे, ये जो सीधा है इसे सीधा और जो लास्ट का उल्टा है उसे उल्टा। अब आ जाइए इसकी उल्टी सिलाई और 14वीं सिलाई, इसे आप पूरा उल्टा ही बना लीजिए। 15वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 15वीं सिलाई देखिए, पहला फंदा उल्टा बनाइए, उतार भी सकती हैं, वैसे बना लेंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये किनारी नहीं मुड़ेगी। धागा पीछे और ये एक फंदा सीधा। अब ये जो चैन वाला फंदा है इसे स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे, एक और ये दो, धागा पीछे, इसको छोड़ के इस दूसरे वाले को आप पहले सीधा बनाइए,
फिर पहले वाले को सीधा बनाकर दोनों को एक साथ उतार देंगे। फिर से वही करना है, दूसरे वाले फंदे को पहले सीधा बनाया, फिर पहले वाले को ऐसे सीधा बुनकर उतार देंगे। धागा अपनी तरफ, अब दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे और ये चैन वाले फंदे स्लिप कर लेंगे। धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, पहले को छोड़कर दूसरे को सीधा बनाएंगे, फिर पहले वाले को भी सीधा बना लेंगे और इनको उतार देंगे। फिर से वही रिपीट करेंगे, दूसरे को हम पहले सीधा बनाएंगे और पहले वाले को बाद में। धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे, धागा पीछे और ये जो चैन वाला फंदा इसे स्लिप करेंगे और सीधे वाले फंदे को सीधा और धागा अपनी तरफ, लास्ट का फंदा उल्टा। 16वीं सिलाई उल्टी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी बनाइए। 16 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, अब आ जाइए इसकी 17वीं सिलाई पर। 17वीं सिलाई पर हमने जैसे ये डिब्बी यहाँ पर खोली थी, अब यहाँ से ये बंद होनी शुरू हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, पहला फंदा इसका उल्टा, धागा पीछे और दूसरा फंदा सीधा। अभी देखिए, ये वाला जो फंदा है इसको हम पीछे से ऐसे लेंगे और इसको उतार के हम यहाँ पर ले आएंगे, और ये जो हमने यहाँ पर लिया इसको यहाँ लाकर पहले सीधा बुन देंगे। और अब ये जो चैन वाला फंदा है इसको बिना बुनाए ऐसे ही सिलाई पर ले लेंगे और बीच में 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए, इसको छोड़ के ये जो दो चैन हैं आगे से इसको एक फंदा ऐसा लेंगे और इस वाले को उतार के इनके बीच में कर देंगे और इसको यहाँ हम ऐसे थोड़ा सा पलट के ऐसे डाल देंगे। इसको हमने स्लिप ही करना है, बनाना नहीं है। धागा पीछे रहे और इस वाले फंदे को हम यहाँ सीधा बुन देंगे। अब ये वाला हमने यहाँ स्लिप करके ले जाना है और इसको यहाँ लाकर बुनना है। तो पीछे से इस फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे, इस चैन वाले को हम यहाँ पर ऐसे ले आएंगे और इसको यहाँ बुन देंगे और ये जो फंदा है इसको हम बिना बुनाए यहाँ डाल देंगे। तो ये देखिए, इन दो स्लिप किए के बीच में दो फंदे सीधे बन चुके हैं। अब 6 सीधे बनाइए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये 6 फंदे यहाँ सीधे बनाने के बाद फिर से वही करना है, इसको छोड़ के इस चैन वाले फंदे को हम ऐसे लेंगे, इसको उतार के यहाँ ले जाएंगे। इसको हमने बनाना नहीं है, ऐसे ही रखना है। और यहाँ पर आप देखिए, 1 और ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ और लास्ट का फंदा उल्टा। अब आ जाइए इसकी उल्टी सिलाई और 18वीं सिलाई पर, आप इसे पूरा उल्टा बनाइए। 19वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 19वीं सिलाई पर देखिए, पहला फंदा इसका उल्टा, धागा पीछे, ये देखिए 1 और ये 2 फंदे सीधे बनाने के बाद इस चैन वाले को छोड़ के पीछे से इस फंदे को ऐसे लेंगे, इसको उतार के आगे डाल देंगे और ये जो हमने अब पीछे लिया है इसको यहाँ पर आप सीधा बना दीजिए। तो यहाँ आपके 3 फंदे सीधे आ गए। अब इसे ऐसे ही यहाँ पर डाल लीजिए और बीच में 4 फंदे सीधे बनाइए, 1, 2, 3 और ये 4। अब फिर से वही रिपीट करना है, ये जो चैन वाला फंदा है इसको ऐसे लेंगे और इसको उतार के इनके यहाँ पर ला देंगे। इसको हमने बनाना नहीं है। और यहाँ पर देखिए, 1, 2, 3। अब इस चैन वाले को छोड़ के पीछे से इस फंदे को पहले सीधा बुन लेंगे, तो बीच में यहाँ 4 सीधे आ गए। इनको उतार के इस वाले फंदे को ऐसे लेंगे और बिना बुनाए डाल देंगे। अब फिर से 4 सीधे बनाइए, 1, 2, 3 और ये 4। अब देखिए, इसको छोड़ के इसको ऐसे लेंगे, इसको उतार के पीछे से यहाँ पहुँचा देंगे और इसको हमने बिना बुनाए रख लेना है। और यहाँ 3 सीधे बनाइए, 1, 2 और ये 3 और लास्ट का फंदा उल्टा। 20वीं सिलाई है और उल्टी साइड है, इसे आप पूरा उल्टा ही बुन लीजिए। 20 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, अब आ जाइए 21वीं सिलाई और सीधी साइड पर। पहला फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये देखिए 1, 2 और ये 3। अब इस फंदे को छोड़ के पीछे से इसको ऐसे लेंगे,
इस चैन वाले को उतार के आगे की साइड कर देंगे और इसको यहाँ पर लाकर सीधा बुन देंगे और इस फंदे को बिना बुनाए ऐसे सिलाई पर ले लेंगे और बीच में दो फंदे आप सीधे, एक और ये दो। फिर से वही करना है, ये वाले जो हमारा चैन वाला फंदा है इसको ऐसे लेंगे और इसको उतार के यहाँ बीच में कर देंगे, ये देखिए ऐसे, और इस फंदे को यहाँ हमने बिना बुनाए रख लेना है। अब एक, दो, तीन, चार, पाँच, और इस चैन वाले को छोड़ के पीछे से इस फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे और इसे सीधा बुन देंगे, तो बीच में छह फंदे सीधे आ गए। अब इन दोनों को ऐसे उतार लेंगे और इसको यहाँ ले आएंगे और बिना बुनाई सिलाई पर डाल देंगे। अब दो फंदे सीधे, एक और ये दो। अब इसे छोड़कर इस चैन वाले को ऐसे लेंगे, इसको उतार के पीछे से हम यहाँ ले आएंगे, इसको हमने बिना बुनाए रख लेना है और यहाँ एक, दो, तीन और ये चार फंदे सीधे और धागा अपनी तरफ करके लास्ट का फंदा उल्टा। 21 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, 22वीं सिलाई उल्टी साइड से आप पूरी उल्टी बनाइए। 22 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और अब आ जाइए इसकी 23वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 23वीं सिलाई पर देखिए पहला फंदा आप इसका उल्टा बनाइए, धागा पीछे, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए ये जो चैन वाला है इसको ऐसे लेंगे और इसको उतार कर यहाँ पर ले आएंगे और अब इस फंदे को आप सीधा बना दीजिए। 23वीं सिलाई पर आप इस चैन वाले फंदे को भी सीधा बुन दीजिए। अब देखिए इसको छोड़ के इस चैन वाले को ऐसे लेंगे, इसको पीछे से यहाँ ला देंगे और यहाँ डालकर इस चैन वाले फंदे को भी आपने सीधा बनाना है। सिर्फ 23वीं सिलाई जो आएगी उस पर ही आपने इस चैन वाले फंदों को सीधी साइड से बुनना है, बाकी पर नहीं। अब देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, और अब देखिए पीछे से इस फंदे को आप पहले सीधा बुन लीजिए तो यहाँ पर आपके आठ हो गए। इसको उतार के चैन वाले फंदे को ऐसे लीजिए, आगे की साइड से सिलाई डाल के इसे भी आप सीधा बना दीजिए। इसे छोड़ के इस चैन वाले फंदे को आप पहले सीधा बुन लीजिए, फिर आप इसको सीधा बना दीजिए, इस तरह भी आप कर सकती हैं। तो ये दोनों चैन वाले फंदे यहाँ सीधे बन गए, तो एक इधर हो गया, दो, तीन, चार और ये पांच, लास्ट में आपके पांच सीधे होंगे और एक फंदा उल्टा। 23 सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, 24वीं सिलाई आप पूरी उल्टी बनाइए। इस तरह से फ्रेंड्स 24 सिलाइयों में ये डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। इन्हीं 24 सिलाइयों को आपको आगे रिपीट करना है। एक बार इसकी स्टार्टिंग फिर से करके दिखा देती हूँ, तो ध्यान दीजिए ये इसकी नेक्स्ट स्टार्टिंग है। पहला फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये देखिए एक, दो, तीन और ये चार, चार फंदे सीधे बनाने के बाद इस फंदे को छोड़कर इसको आपने इस वाले को बनाना नहीं है, ऐसे ले लेना है और इसको उतार के आपको बीच में लाना है और इसको बिना बुनाए यहाँ रख लेना है। अब एक फंदा सीधा, अब देखिए इसको छोड़ के पीछे से इस फंदे को आप पहले सीधा बुन लीजिए, इन दोनों को उतार के इस वाले फंदे को बिना बुनाए यहाँ पर डाल दीजिए, तो देखिए दोनों साइड बिना बुनाए फंदे हैं और बीच में दो सीधे आ गए। अब आप देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छह सीधे बनाइए, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाए थे। अब इसे छोड़कर इसको हमने ऐसे लेना है, बनाना नहीं है, इसको पीछे से यहाँ ले आना है, इसको बिना बुनाए रख लेंगे और ये फंदा सीधा हो जाएगा। इसको छोड़ के पीछे से इस दूसरे फंदे को सीधा बुन लेंगे, फिर दोनों को उतार देंगे और इसको बिना बुनाए यहाँ डाल देंगे और लास्ट में देखिए एक, दो, तीन, चार सीधे और धागा अपनी तरफ करके लास्ट का फंदा उल्टा। ये इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो गई है, उल्टी सिलाइयाँ फिर सारी उल्टी बनेंगी। जब इन्हीं 24 सिलाइयों को आप बार बार रिपीट करेंगे तो ये देखिए आपका सुंदर सा डिजाइन बनता चला जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए,
ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।